एक बार एक पक्षी समुद्र किनारे था और अपनी चोंच में भर भर के समुद्र के पानी को निकाल के बाहर फेंक रहा था। बोला, इस समुद्र ने मेरे बच्चे डुबा दिए हैं, अब मैं इस समुद्र को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे सुखा कर रहूंगा। दूसरे पक्षी को उसकी बात पर हंसी आई, बोले, तुम खुद को देखो और इस समुद्र को देखो, इतने से हो तुम इतने बड़े समुद्र को सुखा भी सकते हो? ये संभव नहीं है मेरे भाई, अपना समय मत बर्बाद करो। तो उस पक्षी ने कहा कि देखो, मैं क्या करूं या ना करूं उस पर मुझे सलाह नहीं चाहिए, अगर कुछ दे सकते हो तो मेरा साथ दो, वरना यहां से जाओ। उस पक्षी को लगा कि नहीं यार, अपने दोस्त का साथ देना चाहिए। वो भी आ गया, वो भी चोंच में भर के समुद्र का पानी निकालने लगा और बाहर फेंकने लगा। दोनों पक्षियों को देखकर कुछ और पक्षी आए, फिर कुछ और पक्षी आए, ऐसे करके हजारों पक्षी इकट्ठे हो गए। बस एक दूसरे से ये कह रहे थे कि सलाह नहीं साथ दो, सलाह नहीं चाहिए साथ चाहिए। अब भाई ऐसे लग रहा था जैसे सारे ब्रह्मांड के पक्षी एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और वो समुद्र को सुखाने में लग गए हैं। ऐसे में पक्षियों में जो सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं, भगवान विष्णु के वाहन गरुण, उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने पक्षी भाइयों का साथ दूंगा। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुमति मांगी कि मुझे जाने दीजिए, मुझे ये काम करना है। भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई, तुम लोगों को समझ में आता है तुम पक्षियों से कोई समुद्र सूखना तो है नहीं, तुम मत जाओ। तो गरुड़ ने तो भगवान विष्णु से ही कह दिया कि भगवान सलाह नहीं साथ चाहिए। फिर क्या था, अपने वाहन गरुड़ का साथ देने खुद भगवान विष्णु आ गए और बोले कि बस अब तो ये समुद्र में सुखाऊंगा। अब जब स्वयं भगवान आ गए तो समुद्र बहुत डर गया, उसे लगा अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा, भगवान खुद आ गए मुझे सुखाने के लिए। तो उसने तुरंत उस पक्षी के बच्चे वापस कर दिए जो समुद्र में डूब गए थे। इसे कहते हैं एक साथ जुट जाने की ताकत। अभी हमारा समय इतना खराब चल रहा है, इतने कठिन समय में हम देखते हैं लोग फ्री की सलाह दे रहे हैं, बस सलाह ही दिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी सलाह से लोग सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हैं। आप आधी जानकारी है फिर भी लोगों को सलाह दिए जा रहे हैं। अगर आप वाकई किसी का साथ देना चाहते हैं तो उसे सलाह मत दीजिए, सहयोग दीजिए, साथ दीजिए। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आपकी सलाह से कुछ नहीं होगा, आपके साथ और सहयोग से होगा। और कौन कहता है कि साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए मिलना जुलना या कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है? आप दूर रहकर भी जिस तरह से हो सके हर किसी का साथ दे सकते हैं। तो आज की जो जरूरत है वो है एक दूसरे का साथ। भले आप किसी व्यक्ति को जानते हो या ना जानते हो, जहां आप हैं वहां रहते हुए, वहां बैठे हुए कैसे उसका साथ दे सकते हैं, इस पर विचार कीजिए। जब हम सब साथ होंगे तो बदलाव जरूर आएगा। मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।